एक पंडित जी बैठ के महात्मा ध्यान कर रहे थे। ध्यान से सुनना की कथा सुननी कैसी चाहिए? ध्यान से सुनना सब लोग की कथा सुननी कैसे चाहिए? एक महात्मा ध्यान में बैठे थे, एक स्त्री जा रही थी अपने पति प्रेमी से मिलने। वो इतने ध्यान में थी अपने पति के कि उसके पैरों से ठोकर लग गई महात्मा जी को। महात्मा जी का ध्यान टूटा। महात्मा जी ने कहा, ए इधर आओ, तुमको दिखता नहीं है कोई महात्मा यहां बैठ के साधु पूजा पाठ कर रहा है, ध्यान कर रहा है, और तुम पैर से ठोकर मार के चली जा रही हो और रुक के क्षमा भी नहीं मांग रही हो, चली ही जा रही हो। वो स्त्री आई, उसने हाथ जोड़ के क्षमा मांगा, कहा गुरु जी हमें क्षमा कर दो, मैं अपने पति प्रेमी प्रियतम से मिलने के लिए, प्रेम से बोलो जय श्री राधे, मैं अपने पति प्रेमी प्रियतम से मिलने में इतना ज्यादा चिंतित थी, मेरा ध्यान अपने प्रेमी में था, प्रेम से बोलो जय श्री राधे, मेरा ध्यान परमात्मा अपने पति में लगा हुआ था, इतना ज्यादा डूबी थी उनसे मिलने के लिए कि आपको ठोकर कब लगी मुझे पता ही नहीं चला, मुझे क्षमा कर दो, मेरी गलती नहीं है। लेकिन महाराज एक बात आपको जरूर बोलूंगी, जैसे मैं अपने पति में डूबी थी मुझे नहीं पता चला कि आपको ठोकर कब लगी, ऐसे ही अभी आपका ध्यान कच्चा है, अगर आप भी अपने परमात्मा के ध्यान में सही लगे होते तो आपको भी पता नहीं चलता कि ठोकर कब लगी, आपका ध्यान कच्चा है। तो भगवान की कथा ऐसे सुनो कि झुंड का झुंड आए चाहे जाए, तुम पर उसका प्रभाव ना पड़े, तुम बैठ के कथा श्रवण करते रहो। प्रेम से बोलो जय जय श्री राधे।